नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल A to Z SP में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ITI का थर्ड अलॉटमेंट लेटर आएगा या नहीं। तो दोस्तों जो दोस्त मेरा ITI का तीसरा लिस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है कि कब तक आएगा ITI का थर्ड अलॉटमेंट लेटर या नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाकर प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र, गूगल पर जाकर और वहाँ पर सर्च बार में सर्च करना BCECE। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों बिहार बोर्ड द्वारा जो तीसरा अलॉटमेंट लेटर जारी अगर होना होता तो यहाँ पर वे अपना संकेत दे दिए होते, नहीं तो यहाँ पर भी उनका संकेत आ जाता है कि तीसरा अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। तो अभी तक बिहार बोर्ड ने यहाँ पर कोई संकेत नहीं किया है कि तीसरा अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा। दोस्तों चलिए मैं आपको और प्रूफ के तौर पर दिखला देता हूँ कि बिहार बोर्ड तीसरा अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिहार बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया गया है, तो मैं इसमें दिखला देता हूँ आपको कि बिहार बोर्ड, दोस्तों देखिए जैसा कि बिहार बोर्ड इस चार नंबर नोटिस में कि बिहार बोर्ड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सेट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट आपको दिखला दे कि पब्लिकेशन डेट उसका फर्स्ट राउंड का पब्लिकेशन डेट यहाँ पर आपको कितने तारीख का है। तो दोस्तों पहला जो वो राउंड पहला राउंड का प्रोविजनल सेट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 29/1/2021 को था। फिर उसके बाद कह रहा है कि डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड 29/1/2021 से 5/2/2021 तक डाउनलोड उसको कर लेना था इतने दिन के अंदर में। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड 30/1/2021 से 5/2/2021 तक करवा लेना था। उसके बाद दोस्तों मैं यहां पर दिखला दूं सात नंबर लाइन में कि सेकेंड राउंड प्रोविजनल सेट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट। तो सेकेंड राउंड का जो पब्लिकेशन डेट था तो दोस्तों सिंपली आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 9/2/2021 को सेकेंड राउंड का पब्लिकेशन डेट था। और इसका डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड तो 9/2/2021 से 14/2/2021 तक। दोस्तों 9 तारीख को ये अपने वेबसाइट पर अपलोड करने वाला था सेकेंड राउंड का बिहार बोर्ड, तो फिर वो 9 तारीख को डिलीट कर दिया था। इस सिंपली 11 तारीख को रात में अपलोड किया अपने वेबसाइट पर, उसके बाद वहाँ से डाउनलोड कर और इसको कहता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकेंड राउंड 10/2/2021 से 14/2/2021 तक अपने जाकर सेंटर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा ले। दोस्तों बिहार बोर्ड द्वारा तीसरा अलॉटमेंट लेटर अगर जारी करना होता तो यहाँ पर वह इंगित कर दिया होता कि तीसरा भी अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली बिहार बोर्ड ने दो ही अलॉटमेंट लेटर के लिए जारी किया है, तीसरा अलॉटमेंट लेटर का कोई जिक्र नहीं किया है। तो दोस्तों जो मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं तीसरा अलॉटमेंट लेटर के लिए, तो दोस्त उनसे मैं बतला देना चाहता हूं कि तीसरा अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा। इस वर्ष केवल बिहार बोर्ड दो ही अलॉटमेंट लेटर जारी किया है और जो जारी हो गया है और जो दोस्त अपना एडमिशन ले लिए हैं, तो जो मेरा दोस्त तीसरा अलॉटमेंट लेटर के लिए इंतज़ार कर रहा है तो दोस्त वे नाराज ना हो। अब बिहार बोर्ड सिंपली आज इस कोरोना काल में केवल दो ही अलॉटमेंट लेटर जारी किया है। अगर तीसरा के लिए वो नोटिस यहाँ पर जरूर कर दिया होता कि तीसरा भी अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। तो दोस्त धन्यवाद। और दोस्त यहाँ पर भी बिहार बोर्ड द्वारा कोई संकेत नहीं किया गया अगर
बिहार बोर्ड तीसरा अलॉटमेंट लेटर अगर जारी करता है तो यहाँ पर वह संकेत कर दिया करता है, और इधर भी उसका संकेत आ जाता है कि बिहार बोर्ड तीसरा अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा, तो यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं हुआ है। तो दोस्तों सिंपली आज इस वर्ष केवल बिहार बोर्ड दो ही अलॉटमेंट लेटर जारी किया, तो सिंपली मेरा दोस्त जो इंतज़ार कर रहे तीसरा अलॉटमेंट लेटर के लिए, अब तीसरा अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा। तो दोस्त जो हमारे दोस्त एग्ज़ाम दिए थे उनका नहीं निकला, वे प्रयास ना छोड़े, अगला बार प्रयास करें और एग्ज़ाम को निकाले। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाकर प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।